हारने गए तो उन्होंने ऐसे गिफ्ट दे दिया, दो मैच उन्होंने सीरीज अपने नाम कर लिया, ये तो ऐसे उन्होंने चक्की दे दिया। उसने कहा चलो यार तुम जो वर्ल्ड कप में आ रहे हो तो किसी जीत के साथ तो आओ, हमने कितने जीतें ली हुई हैं, चल एक जीत तुम्हारी हो गई। सीरीज वो ऑलरेडी विन कर चुके हैं, वाइट वॉश करना इतना ज़रूरी नहीं है, वो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है, तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट पोजीशन पे हैं, उनके लिए अब वो कोई खतरा नहीं है कि हमसे फर्स्ट पोजीशन ले ली जाएगी या ये वो। रेडी है वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह उसने पैट कमिंस को मारा, फिर मिचेल स्टार्क को वर्ल्ड क्लास के बॉलर ने दोनों, और जिस तरह उन्होंने फेंटिंग दी, विराट कोहली ने 56 किया, रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी हाफ सेंचुरी मार दी। हम बड़े खुश हुए हैं इंडिया की ये बैटिंग पर बॉलिंग पे, अप्रिशिएट करते हैं उनको कि उन्होंने हमें बड़ा एंटरटेनमेंट किया है और पाकिस्तान का बदला लिया उन्होंने, आज पहली बात तो ये है, और हम खुश हैं कि यार इंडिया मैच जीता, एक हार भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। परफॉर्मेंस अपनी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं तो सबसे दावेदार बड़ा है इंडिया है, क्योंकि उनको एज है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, होम ग्राउंड है, तो नज़र आ रहा है कि इस वक्त इस दफ़ा जो है वर्ल्ड कप इंडिया लेके जा सकता है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ये मैच यानी कि गिफ्ट किया, फिर इसका मतलब वो गिफ्ट का किया है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से जीता है यार, मेरे ख्याल से अगर ये इंडिया बैटिंग कर लेता ना पहली तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार ही जाता। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, इंडिया मैच आज हार गई है, क्या करेंगे, क्या वजह बनी? यार उनको हारने गए तो उन्होंने ऐसे गिफ्ट दे दिया, दो मैच उन्होंने सीरीज अपने नाम कर लिया, ये तो ऐसे उन्होंने चक्की दे दिया। उसने कहा चलो यार तुम जो वर्ल्ड कप में आ रहे हो तो किसी जीत के साथ तो आओ, हमने कितने जीतें ली हुई हैं, चल एक जीत तुम्हारी हो गई, क्योंकि हम एशिया भी कप भी जीत आए हैं, उसके बाद ये सीरीज भी जीते हैं, चल हम वाइट वॉश थोड़ी सी इज्जत बचा लेते, क्योंकि वर्ल्ड क्लास टीम हो तुम लोग, हमने थोड़ा एक मैच ऐसे तुम्हें दे दिया। कैप्टनसी की बात की जाए, आज रोहित कैप्टन थे और राहुल के आज कैप्टन नहीं थे, तो कोई आपको कैप्टनसी की वजह से कोई फ़र्क नज़र आया टीम में? या फ़र्क लाजमी नज़र आया, अगर राहुल की बात करें ना कैप्टनसी की, तो क्या राहुल की मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है रोहित शर्मा से, तो रोहित शर्मा भी ठीक है, अच्छी इसकी कैप्टनसी रही है, पर मेरे ख्याल से अगर तो सर रोहित की कैप्टनसी में तो इन्होंने एशिया कप जीता आपके सामने, तो यार जीता बात, अब हम भी करंट की बात कर रहे हैं ना, करंट जो मैच अभी जीता, हाँ तो लेकिन तो देखे ना तो इसी कैप्टनसी के साथ होके जाके उन्होंने वर्ल्ड कप स्कोर उन्होंने मारा है यार, कोई छोटी बात नहीं ऑस्ट्रेलिया को यार, तो प्लेयर तो वही है ना, प्लेयर बेशक वही है, तो आज इन मैच में चेंज तो किए ना उन्होंने, हाँ तो बड़े नाम आया, विराट कोहली आया, राहुल वापस आया, तो बड़े नाम बेशक रोहित वापस आया, तो क्या इसमें आप कह रहे हैं उनकी कैप्टनसी फिर यानी कि अच्छी नहीं है फिर? अगर वो वापस आ भी गए हैं तो उसमें कौन सा फर्क पड़ा, मैच तो हार गए हैं ना, बाकी ये कि पहले दो मैच जीते हैं, बड़ा अच्छा मैच जीते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर दो मैच के बाद अगर ये मैच हार भी गए हैं तो उसमें कोई यार उनको प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के ऊपर जो प्रेशर था वो ऑस्ट्रेलिया का था कि नहीं था? देखें प्रेशर नहीं था उनके, इंडिया के हौसले बुलंद थे, पिछले आप देखें दो मैच लगातार जीते हैं, सीरीज ऑलरेडी विन कर चुके हैं, एशिया कप विन करके आए हैं, तो प्रेशर नहीं था, लेकिन हाँ हार जीत एक गेम का हिस्सा है, अगर लाजमी नहीं है कि आप हर दफ़ा जीतेंगे ही, हारना भी है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं था और कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है इंडिया के लिए। तो उनका जो यानी कि प्लेयर था जिसमें मेन जो यानी कि बैट्समैन था पहले शुभल गिल था, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, क्या उनके जाने से इंडिया की टीम को कोई फर्क पड़ा है कि वैसे ही यानी कि उन्होंने ये मैच वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट कर दिया? उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि उनका कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है और कौन सा नहीं, उन्होंने वर्ल्ड कप को आगे देख नज़र में रखा है, उन्होंने पहले मैचेज में देखे आप रोहित और विराट बुमराह इन सबको जो था वो ब्रेक दिया है, शुभमन एक अच्छा जो था वो लेके आ रहा था, एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया है, अब सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब उन्होंने उसको भी ब्रेक दिया एक मैच का, क्या क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। तो सर आज विराट कोहली वापस आए हैं, रोहित वापस आया है, तो क्या कहेंगे कि उनकी जो आपको बैटिंग परफॉर्मेंस नज़र आई है और कैसी लगी आपको? यार वो बिल्कुल रेडी है वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह उसने पैट कमिंस को मारा, फिर मिचेल स्टार्क को वर्ल्ड क्लास के बॉलर ने दोनों, और जिस तरह उन्होंने फेंटिंग दी, विराट कोहली ने 56 किया, रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी हाफ सेंचुरी मार दी, तो क्या लगता है कि ये जो चेंजिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम में, क्या इसकी वजह से इंडिया को ये थोड़ा सा प्रेशर आया कि आपको यानी कि वैसे ही ये बस मैच उन्होंने एज ए फॉर्मल लिया? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, चेंजिंग की वजह भी हो सकती है मेरे ख्याल से, केयर बड़े बड़े नाम वापस आए हैं यार, बड़े नाम वापस आए हैं, बल्कि छोटे नामों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 400 स्कोर मार दिया था जब केएल राहुल था ये कैप्टनसी में, तो अभी जो हमें उम्मीद थी बड़ी विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, एक दो बैट्समैन और आए हैं, पर ये मैच इनको जीतना चाहिए था ये। उसके बाद बुमराह का कमबैक हुआ, बुमराह से वैसे ऐसे दो तीन मैचों के बाद रेस्ट से उसने ऐसे करवाई नहीं है दिल से बॉलिंग जिस तरह वो करवाता है, जिस तरह उसने पूरे एशिया कप में बॉलिंग करवाई, वैसे उनको ये मैच उनको इंडिया ने गिफ्ट किया है। सीरीज वो ऑलरेडी विन कर चुके हैं, वाइट वॉश करना इतना ज़रूरी नहीं है, वो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है, तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट पोजीशन पे हैं, उनके लिए अब वो कोई खतरा नहीं है कि हमसे फर्स्ट पोजीशन ले ली जाएगी या ये वो, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाना है, तो ये चीज़ ज़्यादा जो सी है ना वो मैटर नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि बेसिकली अगर वो देखें ना तो वो वर्ल्ड कप की तैयारी करके आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस थी आज, आपको लगा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी फॉर्म में वापस आ गया दो मैच हारने के बाद? देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ऐसी टीम है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो सीरीज से ज़्यादा जब ऐसे कोई वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट होते हैं ना उनमें परफॉर्म करके दिखाते हैं, और ये हम देखें तो हम शुरू स्टार्ट से है कि लास्ट अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो लास्ट सीरीज इंडिया से हारा था,
और वर्ल्ड कप विन करके चला गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी गेम को पलट सकते हैं। तो यार कोई भी नहीं पढ़ना, अगर दो मैच लगातार जीत गए एक हार भी गए तो कोई इतना इशू नहीं है। दो मैच इन्होंने बड़े बुरे तरीके से हराया है, श्रीलंका को बड़ी यार अच्छी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया को बड़े बुरे तरीके से हराया, और मैं समझता हूँ कि चलो एक मैच हार भी है कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ये मैच यानी कि गिफ्ट किया, फिर इसका मतलब और गिफ्ट का किया है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से जीता है यार। मेरे ख्याल से अगर ये इंडिया बैटिंग कर लेता ना पहली, तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार ही आ रहा है। उनके मुँह पर तमाचा ऑस्ट्रेलिया ने जो मारा है कि आप जितने मर्जी बड़े बैट्समैन बॉलर ले आओ भाई, हम बाप हैं आपके ऑस्ट्रेलिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस की गई टीम में, जैसे इंडिया में चेंज किया गया और ऑस्ट्रेलिया में भी चेंजिंग हुई है प्लेयर्स की, इनके जाने से कोई फ़र्क पड़ा है दोनों टीमों को? देखें फ़र्क तो बिल्कुल पड़ा है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की जो प्लेइंग 11 पहले थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे स्टार्ट तो बहुत अच्छा दिया रोहित वगैरह ने, लेकिन फिर दोबारा जोंस है वो उसको ना कंटिन्यू नहीं रख सके। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इससे ये सही हुआ है या गलत हुआ है, तो इसके दो अलग अलग नज़रिए हैं। एक लोग तो कहेंगे कि नहीं यार जीतना लाजमी था, जीतना चाहिए वो, लेकिन ये मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सीरीज आप जीत चुके हैं, अब आप क्या करना है वाइट वॉश करके। बेसिकली आपका टारगेट वर्ल्ड कप है, आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है आप अपने प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट दें, प्लेयर्स को अपने प्रिपेयर करें, मेंटली रेस्ट हो, फिज़िकल रेस्ट हो। दो तीन प्लेयर्स उनके पहले चले गए थे, उन्होंने रेस्ट की, अब उन्होंने दोबारा अपने मेन प्लेयर्स बैठाए हैं, उनको रेस्ट दिया। तो बेसिकली वो अपने वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने प्लानिंग जो की थी उसके मुताबिक चल रहे हैं। हम बड़े खुश हुए हैं इंडिया की ये बैटिंग और बॉलिंग पे, अप्रिशिएट करते हैं उनको कि उन्होंने हमें बड़ा एंटरटेनमेंट किया है और पाकिस्तान का बदला लिया उन्होंने, ये आज पहली बात तो ये है। और हम खुश हैं कि यार इंडिया मैच जीता, एक हार भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे वाले मैच जो है ना इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह, वर्ल्ड कप मिलेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक मैच हारे या जीते। देखें जो अभी दो मैच जीत चुका था इंडिया, ठीक है, लास्ट मैच हार गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि सीरीज आप विन कर चुके हैं ऑलरेडी।